नमस्कार, मैं निधि मलिक बात कर रही हूँ बिहार दर्शक से, और हमारे जी साथ अवध बिहारी ठाकुर है मुरैल से। तो जी मुरोल मुरोल है सर जी। हाँ जी, तो कैसे हैं सर आप? ठीक हाँ ठीक है सर। है। और आपका खेती बाड़ी कैसा चल रहा है? खेती बाड़ी हम लोग गेहूं तैयारी हमारा हो गया, गेहूं मतलब तैयार तैयार किया हो है। गया हमारा। हाँ भूसा उसा सब रखा गया अच्छा और मूंग लगा हुआ है। मूंग को थोड़ा सा बारिश इसलिए बार-बार ज्यादा हो गया है, लेकिन जी, अब फलन आ रहा है धीरे धीरे। दो तो इस बीघे में मूंग बार लगा हुआ है जी। तो और आपने कोल इस की बार खेती हम मिल करते हैं जी। तो आपने इस बार गेहूं और मूंग की खेती करी हुई है। कोल की खेती भी हम करते हैं। कोल जो अच्छा होता है सुरंग जिमीकंद, हाँ जी, जिमीकंद। हाँ जी, तो उसका भी खेती हम करते हैं। मेन उसके ट्रेनर भी हम रह चुके हैं, स्कूल चला था आत्मा से, तो अच्छा हमारे पास सब एकड़ लगा हुआ है जो जम रहा है। और अच्छा उसमें मिक्स क्रॉप में मूंग लगा हुआ है, तो कोल भी जम रहा है, मूंग का फलन भी आ रहा है। मूंग टूट जाएगा तो उस पर मिट्टी चढ़ाएंगे, तो ओल की भी खेती हम करते हैं। मक्का भी लगा हुआ है, ओल खनाया है उसमें मक्का भी लगा हुआ है। तो आप अकेले ही पूरा जमीन संभालते हैं, आपके साथ और भी लोग काम करते हैं? एक लड़का है अच्छा जो किसान सलाहकार है, वही देखता है जी। जी। तो ये जो कोरोना के चलते लॉकडाउन हो रखा है पूरे देश में, इसके चलते आपको कौन सी परेशानियां हो रही हैं? देखिए परेशानी किसान को अभी जो है, हम लोग ऐसी खेती करते हैं जैसे उल का भी पास रहता है, तो उल हम लोग लगा चुके हैं मार्च में, शुरू मार्च में। तो हाँ थोड़ा सा पता हमने किया, और मेन था गेहूं का क्या कटिंग, तो गेहूं का हम लोग निकाल लिया। गेहूं पर हम मौसम गड़बड़ाया तो हो जी गया। लॉकडाउन में अभी सब्जी की खेती वाले को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हाँ, सब्जी की खेती हम कम करते हैं, समझे ना, अच्छा इसलिए हमको तनाव नहीं है। लेकिन जनरल लोगों को, सब्जी की खेती वाले को इसलिए तनाव है जो सब्जी अभी बाहर नहीं जा रहा है। किसानों जी को वो समस्या है अभी, उसका सही रेट मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, तैयार होके बर्बाद हो रहा है। लेकिन हम लोगों को बहुत समस्या नहीं है लॉकडाउन में, हमारे ऐसे किसान के लिए। तो मंडी में सामान आराम से आप पहुंचा देते हैं और प्राइस वगैरह सब सही मिल रहा है अभी? मंडी में देखिए हम बता रहे हैं, मंडी में गेहूं अभी हमारा बिका ही नहीं है, अच्छा वो बिकेगा ठीक है। कोल जो है हमारा, वो हमारा जिस समय बिकेगा वो सब बिक चुका है, समझे जी ना। हम जी उसको पहले से विज्ञान केंद्रों को भी दे दिया है, सिवान भी गया है हमारा ओल्ड, तो सब बिक चुका है, तो और इसलिए उसको जी। जी जी कहिए। तो मौसम को देखना होता है किसान को, सबसे बड़ी चीज है कि उसको मौसम को पकड़ना होगा। अगर आपको मौसम की जानकारी हो गई तो उससे पहले आप सतर्क हो जाइए, तभी लॉकडाउन होना था तो उससे पहले, बारिश से पहले हम पुल था उसको निकाल लिया था हम, जी इसलिए थोड़ा सा यही है। और अभी कोई ऐसा क्या कहता है हम नहीं है कि हमारा काम कोई क्या गड़बड़ा जाए। अभी वो थोड़ा रोकना था तो फिर उसको भी रोपा लिया हम। अच्छा, तो सर अगर हम ऐसे कहें कि आपको ऐसा इतना परेशानियां नहीं हो रहा है, लेकिन जिनको हो रहा है, तो सरकार की, बिहार सरकार की तरफ से कुछ कोई सुविधा या कुछ मुआवजा वगैरह आप लोगों को मिल रहा है? मुआवजा अभी जैसे किसान को गेहूं की फसल जैसे गिर गई, हम लोगों को भी गिरा है, उत्पादन पर असर पड़ा है, तो उसका इनपुट का हम लोग अप्लाई किए हुए थे, अभी उसका नहीं आया है। और हाँ तो अभी थोड़ा बहुत जांच हो रहा है, तो जांच होगा तो आ जाएगा।
अभी वही जितना जल्दी हो किसानों को सहायता आ जाए, किसानों को कुछ मिला नहीं है। लॉकडाउन भी जो कर दिए प्रधानमंत्री, लेकिन 2000 रुपया तो जनरल जो किए हुए थे वही भेजे खाता पर एडवांस में, इसलिए किसान को तो कोई सहायता मिली नहीं है। किसान को तो सहायता मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है बिहार मतलब, सरकार को या केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए किसानों के लिए? किसान केंद्र सरकार को किसान को फल सब्जी क्या है और जो बर्बाद हुआ है उसके लिए स्पेशल पैकेज, कम से कम जितना भी आप जो दिए हैं वो 2000 रुपया तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से भेज रहे हैं, तब स्पेशल पैकेज कुछ किसानों को अपने तरफ से भेजना चाहिए केंद्र सरकार ने। बिहार सरकार तो मान लीजिए कि जो साधन है उसी में करेगी व्यवस्था, आपदा में जो फसल बर्बाद हुआ है उसका, जैसे लीची उची आम उनका कुछ बर्बादी हुआ है तो उसका कुछ किसानों को मिलना चाहिए जी। तो आपको सच अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और आप, हम शुभकामना देते हैं कि आपको दिक्कत ना हो इस लॉकडाउन में, और आपने जो सजेशन दिया है, आपने जो हमें बताया है, हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। आपके समय के लिए धन्यवाद जी। धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार नमस्कार।